हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिप जॉइंट। ठीक है, तो लोअर लिम का ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिप जॉइंट। लॉन्ग क्वेश्चन आता है लोअर लिम में, अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो लॉन्ग क्वेश्चन इसी पे आएगा, या तो हिप जॉइंट पे आता है या नी जॉइंट पे आता है, या फिर दो तीन टॉपिक्स और हैं उनमें से किसी पे आता है। अगर लोअर लिम से आता है तो बता रहा हूँ। तो हिप जॉइंट के बारे में यहाँ पे हम बात करें तो हिप जॉइंट क्या है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सबसे पहला जो हमें जिस तरह से लिखना है ना हमको पेपर में, उसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, सेम इसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। तो हिप जॉइंट का टाइप क्या है, कैसा जॉइंट है? ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, क्योंकि मूवमेंट हमारी पैर की इसी तरह होती है तो उससे पता चलता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिकुलर सर्फेसेस, मतलब कि हिप जॉइंट बनता किस किस से है। दो बोन्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, एक हमारी हिप बोन इन्वॉल्व है, हिप जॉइंट है तो हिप बोन इन्वॉल्व होगी, और हिप बोन के साथ कौन सी बोन यहाँ पे जुड़ती है? हमारी फीमर बोन यहाँ पे जुड़ती है। तो उन दोनों बोन का कौन सा पार्ट एक दूसरे से जुड़ता है उसकी बात करें तो आर्टिकुलर सर्फेसिस में हमारे पास दो यहाँ पे आएंगे, एक है हेड ऑफ द फीमर, फीमर का हेड, और एसिटाब्यूलम ऑफ हिप बोन। हिप बोन का एसिटाब्यूलम वाला पार्ट और फीमर का हेड वाला पार्ट, ये दोनों आपस में जुड़ते हैं। ये मान लो मेरा फीमर का हेड है और ये यहाँ पे एसिटाब्यूलम है इस तरह से, तो इस तरह से ये जुड़ती है बोन यहाँ पे। तो एसिटाब्यूलम पूरा इन्वॉल्व नहीं होता, एसिटाब्यूलम का सिर्फ इतना सा पार्ट यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, और ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा डीप होता है, ये एसिटाब्यूलर फोसा बनाता है ये। ठीक है, तो ये पार्ट आर्टिकुलर सर्फेस है किसका? हिप बोन का एसिटाब्यूलम वाला पार्ट जो है, और ये जो है हमारा हेड ऑफ द फीमर का, मान लो मोस्ट ऑफ द हेड है ना वो इन्वॉल्व होगा यहाँ पे। तो डायग्राम में देखो ये जो है ब्लू कलर में, ये क्या है? हमारा हेड ऑफ द फीमर है। हेड ऑफ द फीमर पे क्या प्रेजेंट है? फोविया, मतलब एक डिप्रेशन होता है छोटा सा, उसे बोलते हैं फोविया। ठीक है, ये हो गया नेक ऑफ द फीमर और ये नीचे वाला पार्ट हो गया फीमर का। ठीक है, इसी तरह से एसिटाबुलम का ये वाला पार्ट होता है ल्यूनेट सर्फेस। ल्यूनेट सर्फेस मतलब ये वाला सर्फेस है जहां पे हमारा हेड ऑफ द फीमर जो है जुड़ता है, और बीच में एक कैविटी बनती है वो होता है एसिटाबुलर फोसा। ठीक है, तो ये एसिटाबुलम पूरा सर्कल तो होता नहीं ना, एसिटाबुलम अगर आप देखोगे तो कुछ इतना सा होता है, वो पूरा सर्कल नहीं बनाता। तो पूरा सर्कल यहाँ पे कंप्लीट करता है एक लिगामेंट, जिसकी बात हम करेंगे लिगामेंट्स के अंदर। ठीक है, अभी हम बात करते हैं हेड ऑफ द फीमर। हेड ऑफ द फीमर क्या बनाता है? मोर देन हाफ अ स्फीयर, मतलब हेड ऑफ द फीमर पूरा स्फीयर तो नहीं है लेकिन हाफ स्फीयर से ज्यादा है हेड ऑफ द फीमर का पार्ट जो आर्टिकुलर सर्फेस बनाता है। ठीक है, और ये हेड ऑफ द फीमर है ये कवर्ड होता है हाइलिन कार्टिलेज से एक्सेप्ट एट द फोविया कैपिटिस, मतलब पूरा हेड ऑफ द फीमर जो आर्टिकुलर सरफेस है हिप जॉइंट का वो हाइलिन कार्टिलेज से कवर्ड होता है सिर्फ एक जगह छोड़ के, कौन सी जगह? फोविया कैपिटिस। ये डिप्रेशन है, यहाँ पे हमारा हाइलिन कार्टिलेज नहीं जाता है। ठीक है, एसिटाबुलम की बात करें, एसिटाबुलम क्या होता है? इसमें एक हॉर्स शेप्ड ल्यूनेट आर्टिकुलर सर्फेस होता है। जो ल्यूनेट आर्टिकुलर सर्फेस है इसकी शेप कैसी है? हॉर्सशू शेप है ना, तो ये हॉर्सशू शेप्ड ल्यूनेट आर्टिकुलर सरफेस होता है एसिटाबुलम के अंदर। और दो चीजें होती हैं, क्या क्या? एक एसिटाबुलर नोच, सॉरी आर्टिकुलर नोच होती है एक, ये जो पार्ट दिख रहा है ना आपको जहां पे मैंने ग्रीन कलर में दिखाया है, ये एक लीगामेंट है। ठीक है, अगर ये लीगामेंट हटा दूं तो यहाँ पे एक नोच बनती है जिसको हम बोलते हैं आर्टिकुलर नोच, और एक फोसा बनता है आर्टिकुलर फोसा। आर्टिकुलर नहीं, ये मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया, एसिटाबुलर फोसा आएगा यहाँ पे। एसिटाबुलर फोसा, ठीक है, और ये नोच भी एक बार चेक कर लेना, आर्टिकुलर नोच है या फिर एसिटाबुलर नोच है। तो तीन चीजें हमारे एसिटाबुलम पे प्रेजेंट है, क्या क्या? एक ल्यूनेट सरफेस जो आर्टिकुलेशन, जो आर्टिकुलेट करेगा हेड ऑफ द फीमर के साथ, एक बीच में फोसा बनता है एसिटाबुलर फोसा, और एक नोच बनती है यहाँ पे जहां पे एक लिगामेंट आ जाता है, उस नोच को क्या बोलते हैं? आर्टिकुलर नोच या फिर एसिटाबुलर नोच। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली आर्टिकुलर सर्फेसिस की। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है लिगामेंट्स। तो लिगामेंट से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है बनके उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन आता है कई बार, हिप जॉइंट जो है वो उसकी स्ट्रेंथ या स्टेबिलिटी किस वजह से होती है, ये पूछ लेते हैं कई बार। तो हिप बोन जो है वो एक यूनिक तरह का जॉइंट है, हिप जॉइंट एक यूनिक जॉइंट है क्योंकि उसमें एक हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी है और मोबिलिटी है, मतलब बहुत ज्यादा मोबाइल है, हम बहुत ज्यादा हमारी टांग को हर एक डायरेक्शन में हिला सकते हैं ना, उसी तरह से स्टेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। तो ये किस वजह से है? तो इसमें हमें पांच रीजन लिखने होते हैं। ठीक है, सबसे पहला रीजन आता है कि एसिटाबुलम थोड़ा डीप होता है, तो डेप्थ ऑफ द एसिटाबुलम जो है वो स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। दूसरी चीज, जो एसिटाबुलम है उसको और ज्यादा डीप कौन कर देता है? एसिटाबुलर लेब्रम। होता क्या है, मान लो ये हमारा आर्टिकुलर सर्फेस था इस तरह से, यहाँ पे आर्टिकुलर सर्फेस के इधर क्या, इधर एक और लिगामेंट यहाँ पे प्रेजेंट हो जाता है, इधर इस तरह से एक लिगामेंट और आ जाता है माउथ ऑफ द एसिटाबुलम पे, कौन सा लिगामेंट है वो? एसिटाबुलर लेब्रम।
तो एसिटाबुलर लेब्रम एक लिगामेंट है हमारी हिप जॉइंट का, जो क्या करता है एसिटाबुलम का जो एरिया होता है ना उसको और ज्यादा कम कर देगा, मतलब माउथ ऑफ द एसिटाबुलम को और कम कर देगा, जहां पे मतलब आर्टिकुलेशन में इजी होगी, मतलब डेप्थ बढ़ा रहा है ये। तो एसिटाबुलर लेब्रम जो है वो डेप्थ एक तरह से बढ़ा देता है एसिटाबुलम की और उसको नैरो भी कर देता है ताकि अच्छे से टाइटली जो है फिट हो जाए हमारी फीमर बोन का हेड इसके अंदर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया डेप्थ। सेकंड पॉइंट है टेंशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द लिगामेंट। तो पहली चीज है डेप्थ ऑफ द एसिटाबुलम, सेकंड चीज जो स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है वो है लिगामेंट्स। टोटल 7 लिगामेंट होते हैं हमारे हिप जॉइंट में, तो वो सब इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तीसरा मसल्स जो है आसपास उनकी वजह से जो स्ट्रेंथ आती है, तो लिगामेंट्स भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, मसल्स भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इतनी मतलब स्ट्रांग हो रहा है हमारा हिप जॉइंट। उसके बाद आता है लेंथ एंड द ओब्लिक्विटी ऑफ द नेक ऑफ फीमर। नेक ऑफ द फीमर की बात करें ना, तो नेक ऑफ द फीमर की ऐसे ओब्लिक होती है ना, नेक ऑफ द फीमर सीधी तो होती है नहीं, मान लो ये फीमर है उसके बाद उसकी नेक आती है उसके बाद उसका हेड आता है ना, तो नेक ऑफ द फीमर थोड़ी सी ओब्लिक होती है और उसकी लेंथ भी थोड़ी सी अच्छी खासी होती है, जिस वजह से हमें और ज्यादा मोबिलिटी मिलती है, और ज्यादा स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ मिलती है हमारे हिप जॉइंट को। और लास्ट जो पॉइंट लिखना है वो है एटमोस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो 5 पॉइंट्स हैं, एक है डेप्थ, सेकंड है लिगामेंट्स, थर्ड है मसल्स, चौथा है हमारा फीमर का लेंथ, नेक ऑफ द फीमर की लेंथ और ओब्लिक्विटी, और पांचवा है एटमोस्फेरिक प्रेशर। ये पांचों चीजें मिलके हमारे हिप जॉइंट को स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट लिगामेंट्स की। तो लिगामेंट्स के अंदर बात करें तो इसके अंदर हमारे पास आता है फाइब्रस कैप्सूल। सबसे पहला लिगामेंट क्या आता है, फाइब्रस कैप्सूल। सेकंड लिगामेंट, थर्ड लिगामेंट और फोर्थ लिगामेंट लगभग सिमिलर दिखेंगे, सब में फिमोरल वर्ड आ रहा है, ध्यान देना, सब में आ रहा है फिमोरल वर्ड। और हमें पता है हमारी हिप बोन के 3 पार्ट होते हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। हिप बोन के 3 पार्ट, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। तो एक होता है इलियो फिमोरल लिगामेंट, एक प्यूबो फिमोरल लिगामेंट और एक इस्चियो फिमोरल लिगामेंट। तीनों पार्ट्स किससे जुड़े हैं, फीमर से जुड़े हैं, तो इसलिए नाम है इलियो फिमोरल, मतलब इलियम ऑफ हिप बोन एंड फीमर दोनों के बीच में लिगामेंट है। प्यूबो फिमोरल मतलब प्यूबिस ऑफ हिप बोन एंड फीमर, और इस्चियो फिमोरल मतलब इस्चियम ऑफ द हिप बोन एंड द फीमर, इनके बीच में ये लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद पांचवा लिगामेंट आएगा, लिगामेंट ऑफ द हेड ऑफ द फीमर। हेड ऑफ द फीमर पे एक लिगामेंट है, एक एसिटाबुलर लेब्रम, ये मैंने बता दिया आपको, एक है ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट। ठीक है, तो ये हमें 7 जो है लिगामेंट हमें पढ़ने हैं। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहला लिगामेंट जो है फाइब्रस कैप्सूल। अब अगर बात करें फाइब्रस कैप्सूल की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला लिगामेंट है। इसके अंदर हम डायग्राम से इसको सबसे पहले समझते हैं। ये जो है हमारा हिप जॉइंट होता है, ये देखो, अब इसमें और अच्छे से समझ आएगा। ये हमारी हिप बोन का पार्ट है, ये हमारा फीमर का एक पार्ट है। ठीक है, ये हेड ऑफ द फीमर है जिसका ब्लू वाला पोर्शन आर्टिकुलेशन में हेल्प करेगा, और ये है एसिटाबुलम। एसिटाबुलम सिर्फ इतना सा एरिया एसिटाबुलम हम बोलेंगे, उसके बाद वाला जो एरिया है वो थोड़ा डीप चला जाता है, उसे हम बोलते हैं एसिटाबुलर फोसा। ठीक है, तो एसिटाबुलम ये ब्लू कलर वाला पार्ट है, ये आर्टिकुलेट करता है हेड ऑफ द फीमर से, इतनी बात हम कर चुके हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे ग्रीन कलर में ये डॉटेड जो मैंने दिखा रखा है, ये क्या है, ये है हमारा फाइब्रस कैप्सूल। ये है फाइब्रस कैप्सूल, अब इसकी पढ़ते हैं अटैचमेंट कौन कौन सी होंगी। तो फाइब्रस कैप्सूल अगर आप देखो डायग्राम में, दोनों जगह जुड़ा हुआ है, हिप बोन से भी जुड़ा हुआ है और फीमर से भी जुड़ा हुआ है, फीमर में भी है हिप बोन में भी है, तो दोनों जगह आएगा। तो फाइब्रस कैप्सूल इज अटैच्ड ऑन हिप बोन एंड ऑन द फीमर। अब हम पढ़ेंगे हिप बोन में कहां कहां अटैच्ड है। ठीक है, तो हिप बोन में ये अटैच्ड होता है एसिटाबुलर लेब्रम से, एसिटाबुलर लेब्रम से और ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट से। अब ये है कहां पे, ये देखते हैं। ये देखो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये प्रेजेंट है एसिटाबुलर लेब्रम, इस एसिटाबुलर लेब्रम से हमारा अटैच्ड है कौन, फाइब्रस कैप्सूल। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं इसको, अब देखो ये छोटा सा दिख रहा है आपको ग्रीन कलर में, ये एसिटाबुलर लेब्रम है, इससे देखो अटैच है हमारा फाइब्रस कैप्सूल। तो फाइब्रस कैप्सूल सबसे पहले अटैच्ड है हिप बोन में कहां पे, एसिटाबुलर लेब्रम पे। उसके अलावा ये अटैच्ड है ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट, ये देखो ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट दिख रहा है, यहां पे भी अटैच्ड है। उसके अलावा ये अटैच्ड है टू द बोन, मतलब हिप बोन से भी अटैच्ड है, दो तो लिगामेंट से अटैच्ड है, उसके अलावा अटैच्ड है कहां से, टू द हिप बोन अबव एंड बिहाइंड द एसिटाबुलम। एसिटाबुलम के ऊपर जो हिप बोन है देखो यहाँ पे भी अटैच्ड है, और एसिटाबुलम के नीचे जो हिप बोन का पार्ट है उससे भी ये देखो अटैच्ड है यहाँ पे। तो हर जगह यहाँ पे अटैच्ड है, कौन कौन सी जगह याद रखनी है हमको, हिप बोन पे ये अटैच होता है किस किस से, एसिटाबुलर लेब्रम से अटैच्ड है, ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट से भी अटैच्ड है, और टू द हिप बोन से भी अटैच्ड है अबव एंड बिहाइंड द एसिटाबुलम।
अब बात करें फीमर में कहाँ अटैच्ड है। अब फीमर में दो चीज आएंगी, एक फ्रंट ऑफ द फीमर, एक बैक ऑफ द फीमर। फ्रंट ऑफ द फीमर ये देखो, ये अटैच्ड है कहाँ पे, इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन पे। तो फ्रंट ऑफ द फीमर में अटैच होता है कहाँ पे, इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन पे। और बिहाइंड द फीमर कहाँ अटैच होता है, इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट से 1 सेंटीमीटर मीडियल। मतलब आगे की तरफ फीमर जो बोन है उसके आगे की तरफ तो ये फाइब्रस कैप्सूल अटैच्ड होगा इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन से, और पीछे की तरफ अटैच्ड होता है इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट से 1 सेंटीमीटर मीडियली। ठीक है, तो इतना हमें याद रखना है फाइब्रस कैप्सूल के अटैचमेंट के बारे में। अब थोड़ा और इसको डीप में चलते हैं हमारे फाइब्रस कैप्सूल की। तो अब इस कैप्सूल में एंटेरो सुपीरियरली, अब क्या होता है हमारा हिप जॉइंट है ना, हिप जॉइंट का जो एंटेरो सुपीरियर वाला पार्ट है ना, या फिर जो फाइब्रस कैप्सूल है उसका एंटेरो सुपीरियर मतलब एंटीरियरली और सुपीरियरली जो पार्ट है वहां पे ये कैप्सूल थोड़ा थिक होता है और फर्मली अटैच होता है। फर्मली मतलब अच्छे से जुड़ा हुआ है और थोड़ा सा थिक है, मतलब एंटेरो सुपीरियरली तो थिक है लेकिन पोस्टीरियर और इन्फीरियर वाले रीजन में, मतलब पोस्टेरो इन्फीरियरली जो कैप्सूल है वो थोड़ा पतला हो जाता है, थिन हो जाता है और लूजली अटैच होता है बोन से। तो दोनों चीज याद रखनी है, एंटेरो सुपीरियरली थिक अटैच थिक होता है और अच्छे से अटैच होता है, और पोस्टेरो इन्फीरियरली थोड़ा पतला होता है और लूजली अटैच होता है। ठीक है, अब जो फाइब्रस कैप्सूल है ये हमने पढ़ा, इसमें क्या क्या कहाँ कहाँ अटैच है और किस तरह से अटैच है और इसकी थिकनेस और थिकनेस कैसी है, कहाँ पे कैसी थिकनेस है। अब इसमें जो थर्ड पॉइंट आता है फाइब्रस कैप्सूल में वो ये है कि जो फाइब्रस कैप्सूल है उसमें दो तरह के फाइबर्स होते हैं। फाइब्रस कैप्सूल में दो तरह के फाइबर हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स होते हैं बाहर की तरफ और सर्कुलर फाइबर्स होते हैं अंदर की तरफ। तो आउटर लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स एंड इनर सर्कुलर फाइबर्स। इनर सर्कुलर फाइबर्स में क्या याद रखना है कि उनको बोलते हैं जोना ऑर्बिकुलरिस, मतलब जो अंदर के सर्कुलर फाइबर्स हैं उनको हम जोना ऑर्बिकुलरिस बोलते हैं। अब बात करें बाहर वाले लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स की, जो लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स होंगे वो कहाँ पे अच्छे से डेवलप होंगे, जहां पे हमारा कैप्सूल थिक था। थिक कहाँ पे था, एंटेरो सुपीरियरली, तो एंटेरो सुपीरियरली हमारा कैप्सूल थिक था तो वहां पे आउटर लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स जो है वो बेस्ट डेवलप्ड होंगे उस एरिया में। ठीक है, तो बेस्ट डेवलप्ड एंटेरो सुपीरियरली जहां पे क्या होता है, देखो ये हमारा क्या है फाइब्रस कैप्सूल है ग्रीन कलर वाला, डार्क ग्रीन कलर में जो मैंने दिखा रखा है, यहां से आपको दिख रहा है लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स, कुछ ऐसे लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स हैं जो नेक ऑफ द फीमर में इस तरह से चले गए हैं, इनको हम क्या बोलते हैं रेटिनाक्यूला। ठीक है, तो होता क्या है कि जो आउटर लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं नेक ऑफ द फीमर पे, क्या बनाते हैं रेटिनाक्यूला बनाते हैं। और इस रेटिनाक्यूला के थ्रू अगर आप देखोगे रेड कलर में आपको दिख रहा होगा, इस रेटिनाक्यूला के थ्रू क्या पास करती हैं, ब्लड वेसल्स पास करती हैं। कौन सी ब्लड वेसल्स, जो हेड ऑफ द फीमर को सप्लाई कर रही है, हेड ऑफ द फीमर को सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल इस रेटिनाक्यूला के थ्रू पास करती है। और ये रेटिनाक्यूला क्या है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स जो थे फाइबर्स कैप्सूल के वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं नेक ऑफ द फीमर पे और बनाते हैं रेटिनाक्यूला। तो रेटिनाक्यूला से क्या पास करता है, ब्लड वेसल सप्लाइंग द हेड एंड नेक ऑफ द फीमर। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली फाइब्रस कैप्सूल की। अब अगला जो हमारा लिगामेंट आता है वो है इलियोफीमोरल लिगामेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं इलियोफीमोरल लिगामेंट। इलियोफीमोरल लिगामेंट नाम में ही पता चल रहा है किस किस से जुड़ा होगा, इलियम ऑफ द हिप बोन एंड फीमर। तो इलियम और फीमर के बीच में लिगामेंट जुड़ा हुआ है। दूसरा नाम क्या है इसका, लिगामेंट ऑफ बिगलो। ठीक है, लिगामेंट ऑफ बिगेलो या फिर बिगलो जो भी आप बोलना चाहो, लिगामेंट ऑफ बिगलो बोलेंगे इसको। शेप इसकी कैसी है, इन्वर्टेड वाई शेप। इन्वर्टेड वाई शेप याद रखना, मतलब इस तरह की कुछ इसकी शेप होती है। ठीक है, और इसकी इस तरह से शेप को अगर हम ऐसे जोड़ दे तो ये कैसी शेप बन जाती है, ट्रायंगुलर शेप बन जाती है। तो इसको हम ट्रायंगुलर इन शेप भी बोलते हैं और इन्वर्टेड वाई शेप भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, और ये कहां प्रेजेंट होता है, हिप जॉइंट के एंटीरियर में। देखो तीन पढ़ेंगे, इलियोफीमोरल, प्यूबोफीमोरल। प्यूबोफीमोरल प्रेजेंट होता है कहां पे, इनफेरोमीडियली। ये देखो इलियोफीमोरल कहां पे है, एंटीरियरली है। प्यूबोफीमोरल कहां पे है, इनफेरोमीडियली है। और इस्टियोफीमोरल कहां पे है, पोस्टीरियरली है। तो इस तरह से हमारे पूरे जो हिप जॉइंट है उसको सपोर्ट मिलता है इन तीनों लिगामेंट का। सबसे पहले इलियोफीमोरल की बात कर रहे हैं हम, तो इलियोफीमोरल एंटीरियरली लाए करता है। और ये क्या करता है, जब हम खड़े होते हैं ना तो हमारा जो ट्रंक है ना उसको पीछे की तरफ गिरने से रोकता है, मतलब इट प्रिवेंट्स द ट्रंक फ्रॉम फॉलिंग बैकवर्ड्स इन द स्टैंडिंग पोस्चर। जब हम खड़े हैं तो हम पीछे की तरफ नहीं गिरते, किस वजह से, इलियोफीमोरल लिगामेंट की वजह से। वो स्ट्रॉन्ग इतनी स्ट्रेंथ देता है हमारे हिप जॉइंट को। अब मैंने बोला कि इसकी ट्रायंगुलर शेप है, तो ट्रायंगल के अंदर क्या चीज होती है, दो चीज होती है, एक एपेक्स होगी और एक बेस होगा।
तो इसकी जो एपेक्स है वो अटैच होती है किससे? इलियम वाले पार्ट से. तो एपेक्स इज अटैच टू द लोअर हाफ ऑफ एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन. ठीक है, तो AIIS इसको हम बोलेंगे. एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन से हमारा इसकी एपेक्स अटैच होती है. एपेक्स ऑफ द इलियोफिमोरल इज अटैच टू द लोअर हाफ ऑफ द एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन. कहां प्रेजेंट होगा? हिप बोन के अंदर प्रेजेंट होगा. और जो बेस है हमारे इलियोफिमोरल लिगामेंट का वो अटैच होता है इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन ऑफ द फीमर, फीमर की इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन से. ये देखो इस वाले डायग्राम में आपको और अच्छे से समझ आएगा. आपको दिख रहा है इन्वर्टेड वाई शेप, ये वाई इन्वर्टेड वाई शेप दिख रहा है. ये हमारा हिप बोन का पार्ट है और ये है हमारा फीमर वाला पार्ट. ठीक है, तो इसकी एपेक्स ये है इलियोफिमोरल. ठीक है, इलियोफिमोरल की एपेक्स अटैच्ड है कहां से? कहां पे? एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन पे. और इसका बेस कहां पे अटैच्ड है? इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन पे. ठीक है, तो ये ट्रायंगुलर शेप हो गया या फिर इन्वर्टेड वाई शेप. इसमें दो तरह के फाइबर्स होते हैं, तीन फाइबर्स होते हैं, अपर ओब्लिक फाइबर्स, लोअर वर्टिकल फाइबर्स और मिडल फाइबर्स. तीन अलग अलग फाइबर्स में इसको बांटा हुआ है, एक अपर ओब्लिक फाइबर्स, एक लोअर वर्टिकल फाइबर्स और एक बीच वाले फाइबर्स. तो अपर ओब्लिक और लोअर वर्टिकल फाइबर्स क्या बनाते हैं? थिक होते हैं और अच्छे से स्ट्रॉन्ग बैंड बनाते हैं, लेकिन मिडल फाइबर्स थोड़े थिन होते हैं और वीक होते हैं. मतलब ये पूरा जो है इसके ऊपर वाले फाइबर्स और नीचे वाले फाइबर्स ये तो होते हैं स्ट्रॉन्ग, बीच वाले फाइबर्स होते हैं वीक भी होते हैं और थोड़े पतले भी होते हैं. ठीक है, ये हो गया इलियोफिमोरल लिगामेंट. कुछ नहीं इसमें क्या क्या लिखना है, इन्वर्टेड वाई शेप है, ट्रायंगुलर है, एंटीरियरली सपोर्ट करता है, पोस्चर स्टैंडिंग पोस्चर में पीछे गिरने से बचाता है, एपेक्स कहां अटैच्ड है और बेस कहां पे अटैच्ड है, इतना ही लिखेंगे इसमें. अब जो नेक्स्ट लिगामेंट आता है वो है प्यूबोफिमोरल लिगामेंट. तो प्यूबोफिमोरल लिगामेंट कहां सपोर्ट करता है हिप जॉइंट को? इन्फेरोमीडियली. मतलब ये लिगामेंट इन्फेरोमीडियली प्रेजेंट होता है. शेप इसकी भी ट्रायंगुलर है, सेम शेप है इलियोफिमोरल की तरह. उसके बाद हम बात करें तो ये सुपीरियरली मतलब ऊपर की तरफ अटैच्ड होता है. कहां कहां पे? प्यूबिस वाले पार्ट से अटैच होगा ना हिप बोन के, तो कहां कहां अटैच्ड होता है? इलियो प्यूबिक एमिनेंस पे अटैच्ड होता है हिप बोन में, ऑब्टुरेटर क्रेस्ट से अटैच्ड होता है और ऑब्टुरेटर मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है. तो तीन चीजों से अटैच्ड होता है ऊपर की तरफ, इलियो प्यूबिक एमिनेंस, ऑब्टुरेटर क्रेस्ट एंड ऑब्टुरेटर मेम्ब्रेन. इन्फीरियरली बात करें तो इन्फीरियरली ये मर्ज कर जाता है एंटेरो इन्फीरियर पार्ट ऑफ द कैप्सूल. मतलब जो हमारा फाइब्रस कैप्सूल था सबसे पहला लिगामेंट जो था उससे ये मर्ज कर जाएगा और इलियोफिमोरल लिगामेंट से भी ये मर्ज कर जाता है. तो ये एंटेरो इन्फीरियर पार्ट याद करना जरूरी नहीं है, सिंपली लिख देना इन्फीरियरली इट मर्जेस विद द फाइब्रस कैप्सूल एंड द इलियोफिमोरल लिगामेंट. ध्यान से देखो ये जो दूसरा लिगामेंट आपको लाइट ग्रीन कलर में दिख रहा है ये है प्यूबोफिमोरल लिगामेंट. ये भी ट्रायंगुलर शेप है. इसकी एपेक्स कहां पे अटैच्ड है? फीमर से. और बेस कहां पे अटैच्ड है? हमारी हिप बोन से. ठीक है, और ये देखो नीचे की तरफ मर्ज कर जाता है किससे? इलियोफिमोरल लिगामेंट से और फाइब्रस कैप्सूल से. बीच में एक बरसा भी आता है, डायग्राम में ये चीज दिखा देना. तो ये दो डायग्राम आपको बनाने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला. इस डायग्राम में जो पिंक कलर की डॉटेड लाइन दिख रही है ये है हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन. ठीक है, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ये भी प्रेजेंट होती है. अब बात करते हैं फोर्थ लिगामेंट जो है इस्चियोफिमोरल, मतलब हिप बोन के इस्चियम वाले पार्ट से जुड़ा हुआ है. ये थोड़ा सा वीक है, ऊपर वाले दोनों से थोड़ा सा वीक होता है. पोस्टीरियरली सपोर्ट करता है हमारे हिप जॉइंट को और जो फाइबर्स हैं इसके वो जोना ऑर्बिकुलरिस बनाने में मदद करते हैं. जोना ऑर्बिकुलरिस क्या था? फाइबरस कैप्सूल के जो सर्कुलर फाइबर्स थे वो जोना ऑर्बिकुलरिस उनको हम बोलते हैं. तो ये भी उनमें बना उसको बनाने में मदद करता है जोना ऑर्बिकुलरिस को, इस्चियोफिमोरल लिगामेंट. इसमें इतना ही याद रखना. अब बात करते हैं हमारा फिफ्थ लिगामेंट जो था लिगामेंट ऑफ द हेड ऑफ द फीमर. मतलब कहां अटैच्ड होगा? फीमर के हेड से अटैच्ड होता है. ये फ्लैट होता है, ट्रायंगुलर होता है, मतलब जितनी भी शेप पड़ी है सभी ट्रायंगुलर ही तो आई है अब तक. तो लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर ये भी ट्रायंगुलर होता है. इसका दूसरा नाम होता है राउंड लिगामेंट. ठीक है, और लिगामेंटम टेरिस. ऐसे ऐसे नाम आपने लीवर के लिगामेंट से भी पढ़े होंगे, यूट्रस में राउंड लिगामेंट आया था याद है. तो ये राउंड लिगामेंट और लिगामेंटम टेरिस भी हम इसको बोलते हैं, लिगामेंट ऑफ द हेड ऑफ फीमर को. इसकी भी एपेक्स ट्रायंगुलर शेप है, तो एक एपेक्स होगा और एक बेस होगा. एपेक्स कहां पे अटैच होता है? फोविया कैपिटिस. मतलब हेड ऑफ द फीमर का जो फोविया कैपिटिस वाला पार्ट था उससे अटैच होता है इसका एपेक्स. और बेस अटैच होता है किससे? ट्रांसवर्स लिगामेंट से और एसिटाबुलर नोच से. बेस अटैच होगा कहां पे? एसिटाबुलर नोच से. एसिटाबुलर नोच याद है ना, ये एसिटाबुलर का आर्टिकुलर सर्फेस था. तो ये वाला जो पार्ट था ना, ये वाला, ये जो बच गया था इसे हम बोलते हैं एसिटाबुलर नोच. तो एसिटाबुलर नोच से अटैच होता है, ट्रांसवर्स लिगामेंट से अटैच होता है. ट्रांसवर्स लिगामेंट अभी पढ़ेंगे आगे. उसके बाद ये
थोड़ा पतला होगा या फिर ये एबसेंट होगा, मतलब ये जरूरी नहीं हर एक के अंदर ये वाला लिगामेंट मिले, ये होना जरूरी नहीं है, ठीक है। ये एबसेंट भी हो सकता है और पतला भी हो सकता है। और ये इसका काम क्या होता है, हेड ऑफ द फीमर तक आर्टरीज को ट्रांसमिट करना। तो ये ट्रांसमिट्स द आर्टरीज टू द हेड ऑफ द फीमर। तो ये हो गया लिगामेंट ऑफ द हेड ऑफ द फीमर की बात। अब नेक्स्ट आता है एसिटाबुलर लेब्रम, इसकी बात मैं कर चुका हूं। मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारे एसिटाबुलम होता है, इसकी जो रिम होती है यहाँ पे, ये वाली जो रिम है यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा एसिटाबुलर लेब्रम, जो क्या करता है थोड़ा नैरो कर देता है, जहां पे हमारा फीमर का हेड है ना वहां जुड़ना है ना, उसको थोड़ा पतला कर देगा, तो हेड ऑफ द फीमर को थोड़ा और अच्छे से अंदर घुसने में मदद मिलती है। तो एसिटाबुलर लेब्रम एक फाइब्रोकार्टिलेजिनस रिम है, ठीक है, अटैच टू द मार्जिन ऑफ द एसिटाबुलम, इट नैरोज द माउथ ऑफ द एसिटाबुलम, ये भी बात कर चुके हैं। और ये हेल्प करता है हेड ऑफ द फीमर को एक पोजिशन में रखने के लिए, मतलब साइड, ये मान लो हेड ऑफ द फीमर इस तरह से जुड़ गई, उसको इस तरह से साइड से और ज्यादा कवर कर देता है ना, ये जुड़ने के बाद साइड से कवर कर देगा एसिटाबुलर लेब्रम। तो एसिटाबुलर लेब्रम जो है हेड ऑफ द फीमर को एक जगह पे होल्ड करके रखने में मदद करता है। लास्ट लिगामेंट है वो है ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ द एसिटाबुलम, ये भी हम पढ़ चुके हैं। एसिटाबुलम था ना ये, इसके अंदर जो ये वाला लिगामेंट था जो यहाँ पे इसकी जो एसिटाबुलर नोच जो थी उसको कवर कर रहा था, उसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ एसिटाबुलम। मैंने फर्स्ट डायग्राम जो दिखाया था ये वाला डायग्राम देखो, सॉरी ये वाला नहीं, एक सेकेंड, देखो इस वाले डायग्राम में जो ग्रीन कलर में लिगामेंट था ये ट्रांसवर्स लिगामेंट ही है, ठीक है। तो ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ एसिटाबुलम क्या है, पार्ट ऑफ एसिटेबुलर लेब्रम विच ब्रिजेस द एसिटेबुलर नोच, एक तरह से इसको हम एसिटेबुलर लेब्रम का ही पार्ट बोलते हैं जो ब्रिज करता है एसिटेबुलर नोच को, एसिटेबुलर नोच को कवर कर देता है, ठीक है। उसके अलावा जो नोच है वो इसके कारण किस चीज में कन्वर्ट हो जाती है, एक फोरामेन में। देखो ना पहले ये चीज अगर ऐसे प्रेजेंट होती तो इसको हम क्या बोलते, नोच बोलते इसको, लेकिन अब अगर मैं इसको यहां से फिल कर दूं तो एक तरह से पूरा सर्कल बन गया ना, तो बीच में फोरामेन सा बन गया ना एक तरह से, तो नोच जो है वो फोरामेन में कन्वर्ट हो जाती है ट्रांसवर्स लिगामेंट के कारण, जिसके थ्रू क्या जाता है एसिटेबुलर वेसल्स और नर्व्स जाती हैं हमारे जॉइंट को सप्लाई करने के लिए, जो नर्व जॉइंट को सप्लाई करेंगी वो जाएंगी और एसिटेबुलर वेसल्स वहां से ट्रांसमिट होती हैं। तो ये हमने बात करी हमारे हिप जॉइंट की स्टार्टिंग की, मैंने बात की है सारा, हमने पढ़ा टाइप आर्टिकुलर सर्फेसिस और उसके बाद हमने पढ़े सारे के सारे लिगामेंट, थोड़ा बड़ा टॉपिक है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसके बचे हुए पार्ट की, जो है रिलेशंस वगैरह, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और उसकी मूवमेंट की बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।